धूप हो रखी है, मुझे छाता यूज करना चाहिए। मैं छाता यूज कर रही हूँ धूप से बचने के लिए। मुझे तो बहुत प्यास भी लगी है, मुझे पानी पीना है। मैं पानी पीने के लिए अपनी बोतल साथ मेरे खेत लेके चलती हूँ। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्ड्स कहाँ से पानी पीते हैं? उनको पानी कौन पिलाता है? क्या बर्ड्स अपनी बोतल साथ में लेके चलते हैं जैसे मैंने ले रखी है? नहीं ना। मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बहुत सारी वेस्ट मटेरियल है। ये आप देख सकते हैं, ये नारियल, ये मेरे पास एक हनी की बोतल थी, ये पेप्सी कैन जिसे आप पीने के बाद यूजली थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, और ये एक बोतल। ठीक है, अब इनसे हम बर्ड्स के लिए कैसे बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है, बर्ड्स को पानी पीना होता है, तो आप जगह जगह पर अपने गार्डन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर भी इन चीज़ों से कुछ अट्रैक्टिव बनाकर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक बोतल है, हनी की बोतल, जिसको मैंने क्या किया है, ऊपर से काट लिया है और यहाँ पर दो होल करके मैंने इसको ऐसे रख लिया थ्रेड के साथ बांध के। अब इसका आप यूज़ कर सकते हैं बर्ड को पानी पिलाने के लिए। इसके अंदर आप पानी डालिएगा और कहीं भी गार्डन में जाकर अपनी ट्री पे ऐसे इसको हैंग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, आपके पास जो ये कैन होती है, ये वेस्टेज कैन जिसको आप फेंक देते हैं, इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ से काट लेना है। ठीक है, अगर आप नहीं काट सकते तो इसको काटने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा। ये मैंने इसको काट लिया यहाँ से, देखिएगा इतना काट लिया है, और फिर इसके साथ इसके जो एजिस थे वो बहुत शार्प हो गए थे काटने के बाद, तो ये बर्ड्स के लिए डेंजरस भी हो सकता है कि वो आएंगे तो ये एजिस उनको लग सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, पेपर से कवर कर लिया है। और एक इतना प्यारा मैसेज भी मैंने यहाँ पर लिखा है, टेक केयर ऑफ योर फेदरी फ्रेंड्स, यू कैन सी, क्योंकि बर्ड्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी है। तो मैंने ये क्या किया, बर्ड फीडर बनाया है। इसके अंदर मैंने अनाज लिया, ठीक है, और ये अनाज मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मैंने ये मैंने एक लिया है, धागा लिया है, धागे से इसको मैंने क्या किया है, जो भी आपके घर में जैसा भी धागा आपको मिले उसको आपको टेप से, दोनों साइड से टेप से मैंने चिपका दिया है ताकि ये मैं हैंग कर सकूं अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड फीडर। नेक्स्ट आपके पास नारियल है, ये सबके घर में मिल जाएगा, आपको जस्ट क्या करना है, उसको ऐसे हैंग करना है, इसके अंदर पानी रख सकते हैं या फिर आप कोई भी अनाज रख सकते हैं बर्ड्स के लिए, और उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्री पे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, जो वेस्ट बोतल होती है आपके घर पे उसको आपको क्या करना है, उसको आपको काट लेना है, ठीक है, और काटने के बाद उसको ऐसा फ्लावर वाला लुक दे देना है। ये देखिए, इट इज़ लुकिंग लाइक अ फ्लावर, ठीक है, तो ये बर्ड्स को भी अट्रैक्टिव लगेगा। आपको क्या करना है, फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको ट्री पे हैंग कर देना है। जैसे ये मैंने ये बोतल ली थी, हनी की एक बोतल थी मेरे पास, मैंने इसे ये बना लिया है। अब इसको, क्योंकि बर्ड जाएंगे उड़ते हुए तो वो नीचे देखेंगे कि कुछ अट्रैक्टिव सा कलर उनको दिखेगा तो वो वहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, तो मेरे पास कुछ ये वेस्ट पेपर था, ठीक है, सिल्वर कलर पेपर, मैंने इसको क्या किया, इस पर ऐसे रैप कर दिया। वाओ, नाउ इट इज़ लुकिंग सो अट्रैक्टिव, ठीक है, अब बर्ड आएगा, बर्ड देखेगा, उसको ये चमकता हुआ दिखाई देगा धूप में, तो वो नीचे पानी पीने के लिए आएगा, उसको पता चल जाएगा, ठीक है, यस, ओके। अब नेक्स्ट जो हम बनाते हैं, ये मेरे पास एक पुराना डिब्बा पड़ा था, मेरे किसी काम का नहीं था, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कट कर लिया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ऐसे था, इसको मैंने कट किया और ये मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने इसके चारों तरफ ये टेप लगा दी है, इसे मैं बर्ड्स का रेस्ट हाउस बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने हैंग किया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप पानी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये देखिएगा, ये सबके घर पे मिलेगा, इसमें मैंने बर्ड्स के खाने का ये रख दिया है, अनाज रख दिया है, दिस इज़ बर्ड्स रेस्ट हाउस, इसके लिए रेस्ट हाउस बनाया है, यहाँ पे मैंने उनके खाने के लिए अनाज रख दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, यस, यहाँ पर आप पानी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बर्ड आएगा, वो दाना, यहाँ पे बर्ड आएगा, वो दाना खाएगा और यहाँ से पानी, ठीक है, ये बर्ड्स के लिए रेस्ट हाउस बना दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो हमने फ्लावर बनाया था इसमें हम पानी डालेंगे,
इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आप उसको पानी से फुल भर के उसको हैंग कीजिएगा। इसको हम पानी से भरेंगे, इसको हमने पानी से भरा और इसको हमने हैंग किया। नेक्स्ट जो मैंने बर्ड फीडर बनाया है, इसके अंदर मैंने ये कुछ डाले उनका खाने के लिए और इसको भी मैं हैंग कर देती हूँ। ऐसे ही आप नारियल का जो आपने बनाया है इसको आप में पानी भरिएगा और इसको जगह जगह पे आप अपने गार्डन में या कहीं भी आप इसको हैंग कर दीजिएगा। इस तरह से आप बर्ड्स की हेल्प भी कर सकते हैं और अपने गार्डन को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं।